आप में से कितने लोगों की रुचि फिक्स है बताइए कि मेरी रुचि यह कार्य करने में है बताइए किस क्षेत्र में रुचि है आप लोगों की हाँ बताओ म्यूजिक में रुचि है आपकी घूमने में है ऐसे ऐसे घूमने में या कहीं दूर अच्छा मेरा पंखे की तरह घूमने में तो नहीं है ऐसे ऐसे घूमने पहाड़ों पे जाना और ऐसे नदियाँ देखना उस तरह की रुचि है ठीक है और आपकी पढ़ने में। किस में मैथ्स पढ़ने में क्या बार बस आर ने आपके लिए ही <laughs> गणित गन, गणित की खोज की थी है ना गणित की खोज की थी बहुत बढ़िया चलिए और कोई बताए किस चीज में रुचि है आप लोगों को किसमें रिकॉर्डिंग कोडिंग कोडिंग करते हो क्या बात है यार गजब बहुत बढ़िया चलिए अब बताओ रुचि होती क्या है जो आप लोगों ने कहा कि रुचि है रुचि का हो हॉबी नहीं होती है इंटरेस्ट और हॉबी अलग चीज होती है अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरेस्ट और हॉबी में क्या अंतर है कुछ नहीं है इंटरेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो हॉबी हो जाएगी इंटेंसिफाइड इंटरेस्ट इज हॉबी जिस रुचि में तीव्रता ज्यादा हो उसे कहते हैं हॉबी हॉबी को भी हिंदी में क्या बोलते हैं अभिरुचि एप्टीट्यूड की हिंदी क्या है अभिरुचि तो तभी रुचि कौन सी है पता नहीं सारी तो अभी ही है तो अनुवाद की समस्या है आपके इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं जिस इंटरेस्ट को लेकर आपको तीव्रता ज्यादा महसूस हो उसको आप कहेंगे हॉबी और मुहावरों की भाषा में कहते हैं इंटरेस्ट वो है जो समय मिलने पर किया जाता है हॉबी वो है जिसके लिए समय निकाला जाता है कहने का तरीका है लफाजी ही है कुछ नहीं है इसके अलावा लेकिन हाँ इस तरीके से बात कहेंगे इंटरव्यू में तो बात में वजन आ जाएगा और आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा समझे? तो जो समय मिलने पर किया जाए इंटरेस्ट जिसके लिए समय खोजा जाए ढूंढा जाए वो हॉबी है तो इंटरेस्ट क्या है यदि व्यक्ति ठीक स्थिति में है और उसके पास समय है तो वह अपने खाली समय में जो कार्य अपने इच्छा से करना चाहेगा उपलब्ध विकल्पों में से जो कार्य अपनी इच्छा से करना चाहेगा वह उसकी रुचि है तो रुचि का मतलब क्या हुआ कि खाली समय में एक तो समय खाली होना चाहिए इसलिए जब आईएस के बच्चों से पूछते पूछ हैं कि बेटे आपकी रुचि क्या है इंटरव्यू में बोलते हैं रुचि के लाइक छोड़ा है हमें रुचि क्या है खाली समय होता है हमारे पास कभी अठारह घंटे पढ़ना पड़ता है छह घंटे सोना पड़ता है क्या क्या रुचि है तो रुचि तो आईएस बनने के बाद सोचेंगे क्या है अभी तो बस बनाओ किसी तरह से हमें आप तो पहली कसौटी भी खड़ा नहीं करता तब तो आपने खाली समय में तो खाली समय में उपलब्ध विकल्पों में जिसके पास विकल्प नहीं है बचपन में मम्मी ने कहा था कि बेटा कपड़े धो के दिखाओ हाँ वेरी गुड बहुत अच्छी चमकार है और अच्छा धोना धोते 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 एक ही विकल्प था बाद में उसको लगने लगा उसकी रुचि कपड़े धोना ही है या खाना बनाना ही है अब समझ ना वो डिबेट जो पहले हुई थी एक बार हमारी ये उसी डिबेट की और तो मैं फिर इशारा कर रहा हूं कि अगर आपके पास विकल्प हों बहुत सारे खाली समय में उपलब्ध विकल्पों में से अपनी इच्छा के अनुसार किसी विकल्प का चयन जब आप करेंगे तो इससे पता लगता है कि आपकी रुचि क्या है आप खाली हैं आपके सामने एक म्यूजिक सिस्टम है आप गीत सुन सकते हैं गजल सुन सकते हैं उसमें हर तरह के गीत आपके पास हैं पेंटिंग ब्रश भी रखा हुआ है कैनवास भी रखा हुआ है पेंटिंग भी कर सकते हैं एक फास्ट म्यूजिक के साथ वहाँ पर डांस करने वाला डांस फ्लोर भी बना हुआ है आप वहाँ उछल कूद भी मचा सकते हैं स्विमिंग पूल भी है मेरा तालाब मतलब पानी में नहा भी सकते हैं अगर मन करे तो देसी स्विमिंग पूल यानी कि तालाब इसमें नहा भी सकते हैं एक घोड़ा बंदा है घोड़सवारी भी कर सकते हैं अगर अभ्यस्त हैं वरना घोड़ा भी सवारी करना चाहता है तो चांस की बात है कौन किससे सवारी करेगा लेकिन अभ्यास है तो ही करना सही है तो अब इनमें से आप जो चुनेंगे अब मसूरी जाओगे ना ये सब विकल्प मिलेंगे अभी तो सोचेंगे ये सब विकल्प कहाँ होते हैं नेहरू विहार में कहाँ होते हैं सब वहाँ मिलेंगे घोड़े हैं घुड़सवारी कर लो भाई गाड़ी है गाड़ी चला लो शौक है ड्राइविंग का तो और हर तरह के पर्वतारोहण कर लो दुनिया भर के विकल्प मिल जाते हैं शूटिंग का शौक है तो बंदूकें चला के देखो शूट करके देखो कैमरे का शौक है दुनिया भर के कैमरे हैं उनसे शूटिंग सीख लो कोई सिखा देगा आपको म्यूजिक है पेंटिंग है हर चीज उपलब्ध है आप जिस भी शौक को परस्यू करना चाहें कर सकते हैं अब इनमें से आप जो एक चुन लेंगे कि दस ऑप्शन हैं आपने उनमें से एक चुना ये आपकी रुचि है